बेहद आम सी बीमारी खांसी है, जो कि कभी भी हो जाती है और जब भी होती है काफ़ी लंबे समय तक चलती है। पर उसी में अगर कफ वाली खांसी हो तो उसका इलाज फिर भी किया जा सकता है, यानी घरेलू उपायों से। पर अगर बात की जाए सूखी खांसी की, तो कई इलाज करने के बाद भी इसका इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी काफ़ी लंबा चलता है। फिर भी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूखी खांसी के उपाय के बारे में, जो कि आपको जल्द ही जल्द राहत दे सकता है। जी हाँ, बिना बलगम वाली खांसी यानी कि सूखी खांसी, एलर्जी से लेकर एसिड रिफ्लक्स तक कई चीज़ें सूखी खांसी का कारण बन सकते हैं। वही कुछ मामलों में सूखी खांसी होने की विशेष वजह नहीं होती है, यानी कभी भी हो सकती है। खैर, कारण जो भी हो, लगातार सूखी खांसी आपके दिन प्रतिदिन के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। वैसे तो बता दूँ कि सूखी खांसी का एक रीज़न कमज़ोर छाती भी होती है, यानी कि जब हमारी छाती कमज़ोर हो जाती है, जब सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उस कंडीशन में भी सूखी खांसी ही होती है। फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम हो, टीबी हो, ये सब में भी सूखी खांसी होती है। हाँ, कभी कभी इसमें बलगम भी बहुत ज़्यादा आता है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि सूखी खांसी देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में हमें समझना ये मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये किस रीज़न से आ रहा है। तो ऐसे में हमेशा याद रखें कि 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी हो तो एक बार टीबी का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। खासकर तब जब खांसी में कभी कभी खून या आता हो, तब तो बिल्कुल ही करा लेना चाहिए। यानी कि कफ में अगर खून आता हो, या कभी कभी बहुत ज़्यादा कफ निकलता हो, पर ज़्यादातर कफ के बिना वाली खांसी हो तो। खैर, बात की जाए अगर सूखी खांसी कितने दिनों तक रहती है, तो वैसे देखा जाए तो इसकी कोई एक खास लिमिट नहीं है। फिर भी या वयस्कों में 8 और छोटे बच्चों में 4 हफ्तों तक रह सकती है, यानी कि 2 महीने तक। इससे ज़्यादा लंबे समय तक खांसी आना जानलेवा बीमारी, फेफड़ों में कैंसर होने का संकेत हो सकता है। आमतौर पर सूखी खांसी रातों में ज़्यादा परेशान करती है, जिसे कंट्रोल करने में कई बार सिरप भी फेल हो जाता है। एक्चुअल में तो देखा जाए तो सिरप खांसी ठीक करती ही नहीं है। हमारे बॉडी में जितनी भी दवाई हम लेते हैं, एक्चुअल में बीमारी का इलाज करती ही नहीं है। खैर, इस बारे में कभी और बात की जाएगी, पर आज के टॉपिक में हम बात करते हैं सूखी खांसी से बारे में। तो गर्म पानी प्लस शहद। एक वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्क और बच्चों के लिए शहद का उपयोग सूखी खांसी से राहत दिला सकता है। दरअसल शहद में जीवाणुरोधी गुण होते हैं, जो जलन को कम करने, गले को कोट करने में मदद कर सकता है। आप दिन में कई बार 1 चम्मच शहद का सेवन कर सकते हैं। इसे चाय या गर्म पानी में मिलाकर पी सकते हैं। वैसे बता दूं कि गर्म पानी नहीं, हल्का नुआया पानी में पीना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी में शहद नहीं मिलाना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से। पर नॉर्मली इंसान जब भी सुबह खाली पेट जब शहद पीता है, तो वो गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डाल के पीता है मोटापा घटाने के लिए, जो कि गलत है, क्योंकि शहद को कभी भी गर्म चीज़ों के साथ नहीं यूज़ करना चाहिए। खैर, यह एक बार और बता दूं कि जब भी खांसी सूखी होती है, तो हमारे गला सूख जाता है, गला खस कर जाता है, गला छिला जाता है। तो इस कंडीशन में ज़रूरी होता है कि गले को तर रखा जाए, तो इसमें शहद बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। दूसरा, हल्दी प्लस काली मिर्च। हल्दी में कर्क्यूमिन होता है, एक यौगिक जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से यह सूखी खांसी रहित कई स्थितियों में फ़ायदा होता है। काली मिर्च के साथ लेने पर कर्क्यूमिन रक्त प्रवाह में अच्छी तरह से अवशोषित होता है, यानी एब्जॉर्ब होता है। आप संतरे के रस जैसे पेय में भी 1 चम्मच हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। ये सूखी खांसी में बहुत जल्दी फायदा देता है। आप चाहे तो काली मिर्च को, यानी काली मिर्च का जो पाउडर बना लें, कम से कम 2 काली मिर्च, और उसको 1 चम्मच शहद के साथ सेवन करें। इससे भी आपको खांसी में बहुत ही ज़्यादा और जल्दी आराम मिलता है, खास करके जब वो सूखी खांसी हो तो। अदरक प्लस नमक। अदरक में एंटी माइक्रोबियल गुण मौजूद होते हैं, जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। ऐसे में यह सूखी खांसी से राहत दिलाने में सहायता कर सकता है। अदरक के छोटे से टुकड़े को लेकर उस पर एक चुटकी नमक छिड़क कर या शहद लगाकर इसे दांतों के नीचे दबा लें। इस तरह अदरक का रस धीरे धीरे मुंह के अंदर जाने दें। करीब 5 से 7 मिनट रखने के बाद कुल्ला कर लें। वैसे चाहे तो सिर्फ अदरक को नमक लगा के सिर्फ मुँह में रख भी सकते हैं, यानी कि चूस भी सकते हैं, तो भी आपको फायदा रहता है। बात यह है कि मेन आपको गले को तर रखना है, यानी कि गला गला सूखा रहेगा तो खांसी होते रहेगी, गला छिलाते रहेगा, और खांसी उतना ही लेट से फिर ठीक होती है। यानी गले को तर रखा जाए, गला का जो छिलापन ठीक हो जाए, तो खांसी अपने आप ठीक हो जाती है। ऐसे में एक काम ये भी कर सकते हैं कि छाती में देसी घी से मालिश कर सकते हैं या सरसों तेल लगा सकते हैं। इससे छाती मजबूत होती है, और छाती मजबूत होने से भी खांसी बंद हो जाती है। खास करके ये उपाय सूखी खांसी में और कफ वाली खांसी दोनों में ही फायदेमंद है, यानी कि छाती को मजबूत करना। चौथा, घी प्लस काली मिर्च। घी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, या गले को नरम रखने का काम करते हैं। यदि आप घी में काली मिर्च पाउडर मिलाकर खाएं,
तो आपको सूखी खांसी में बहुत ज़्यादा आराम मिल सकता है। नमक प्लस पानी, नमक के पानी से गरारे करने से सूखी खांसी के कारण होने वाली परेशानियों को, जलन को कम करने में मदद मिलेगी। खैर ये तो हम बचपन से जानते हैं, जब भी हमें खांसी होती है, कफ होती है, कुछ भी होता है, तो नमक वाले पानी से गरारा करने से हमें यार गले को राहत मिलती है। और गला जब भी अगर सूखा या फंस जाए तभी इसमें फ़ायदा रहता है। वैसे अगर कुछ भी ना हो तब भी आप नमक वाले पानी से गरारा कर सकते हैं, इससे आवाज़ भी साफ़ रहता है, इससे हमारे गला भी साफ़ रहता है, हमें कफ की प्रॉब्लम में भी राहत देता है। नमक का पानी मुंह और गले में बैक्टीरिया को मारने में भी मदद करता है। ऐसे करने के लिए एक बड़े गिलास गर्म पानी में एक चम्मच टेबल सॉल्ट घोलें, फिर दिन में कई बार गरारे करें। तो ये थे 5 उपाय, एक्चुअल में 7 उपाय, तो आप इन सभी को कर सकते हैं, चाहे तो कुछ एक को ही करें ज़्यादा बेहतर है। पर इन सभी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है गले को तर रखना, यानी कि गले को सूखे नहीं देना। गला जब सूख जाता है तो ही खांसी होती रहती है, गला छिला भी जाता है तो इसे ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अदरक, लहसुन, आंवले या फिर दालचीनी, कुछ भी थोड़े से मात्रा में मुँह में हमेशा के लिए रख सकते हैं, यानी कि जब भी आप सो रहे हो खास करके सोने समय, तो इससे क्या रहेगा कि उसका रस मुँह के अंदर ज़्यादा रहेगा, गला तर रहेगा, जिससे रात में सोते समय खांसी कम आएगी या नहीं आएगी। और छाती में अगर घी लगा के मालिश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इससे भी छाती मजबूत भी होती है और गला भी तर रहता है। और कंडीशन में हमेशा याद रखें कि गर्म पानी का सेवन करें, ना कि नॉर्मल या ठंडे पानी का। गर्म पानी का सेवन करने से भी हमें खांसी में राहत मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो में कुछ खास जानकारी मिली हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर कुछ सवाल हो या फिर कुछ उपाय हो बताना तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यानी कि अगर आपको कुछ जानकारियाँ हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।